जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त सोनू। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि सिर में अगर रूसी हो या सिकरी हो यानी कि डैंड्रफ हो तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में प्रदूषण इतना है दोस्तों कि अगर हम सड़कों पे चलते हैं तो सर पे बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठा होती है, इससे भी हमारे सर में डैंड्रफ आते हैं। तो इनको दूर करने के तरीके सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में कोई नहीं चाहता है कि हमारे सर पे बाल ना हो, वो भी उम्र के एक खास वक्त तक। तो हमें खासा ख्याल रखना होता है दोस्तों। हम आप सबको आज विधि बताने जा रहे हैं, तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को हमेशा स्मूथ और सुंदर बनाए रख सकते हैं। नारियल का तेल, 100 ग्राम, कपूर 5 ग्राम, दोनों मिलाकर शीशी में रख लें। इसके बाद दिन में 2 बार स्नान के बाद केश जब सूख जाए तो रात में सोने से पहले सिर पर खूब मालिश करें दोस्तों। दूसरे ही दिन से रूसी सफ़ेद पतली भूसी की तरह जो भी पदार्थ होता है सर पे सब गायब हो जाएगा मेरे दोस्तों। तोला 1 कपूर लें, पाव नारियल तेल शीशी में रख लीजिए, कर दोनों का मेल, त्रिफला से सिर धोए के तेल लगाए जोए, केश बढ़े अरु नर्म हो सिर में ठंडक होए। जी हाँ दोस्तों, 1 तोला कपूर लें और नारियल के तेल में उसे मिक्स कर लीजिए, 1 पाव नारियल का तेल जिसमें कि आपको मिक्स कर लेना है कपूर, और शीशी में इसे भर के रख लीजिए। बस इतना ही करना है आपको, और त्रिफला से सिर धोना चाहिए, किसे त्रिफला से, और तेल लगाइए हर रोज ये, केश बढ़े और नर्म हो, आपके बाल बढ़ेंगे और मुलायम भी होंगे मेरे दोस्तों, और सिर में ठंडक रहेगा, आपको बहुत ही सुकूनदायक महसूस होगा, आप कहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो इस तेल के प्रयोग से बालों में जूं पैदा नहीं होते हैं। त्रिफला जल बनाने और उससे सिर धोने की विधि के लिए हम आप सबको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे विकल्प पे भी ध्यान रख सकते हैं हम। बाल धोने से आधा घंटा पहले एक नींबू काटकर मलने से या नींबू का रस मलने से और फिर हल्के गर्म पानी से धोने से सिर की रूसी साफ हो जाती है और रूखे सूखे बाल चमकदार व सेट हो जाते हैं मेरे दोस्तों। 2 किलो पानी में 2 नींबुओं का रस निचोड़कर 1 सप्ताह तक प्रतिदिन बालों को अच्छी प्रकार धोएं तो जुएं गायब हो जाएंगी, बाल चमक उठेंगे, रूसी दूर हो जाएगी। और दूसरा क्या है विधि कि नारियल के तेल में आधा नींबू का रस तथा जरा सा कपूर मिला लें, रात में तेल बालों की जड़ों में लगाकर हल्की हल्की मालिश करें और प्रातः स्नान कर कंघी कर लें मेरे दोस्तों। रूसी समाप्त होने के साथ साथ जो भी समाप्त हो जाएंगी। तीसरी विधि, रीठे का शैम्पू, रूसी में उतना ही कारगर है जितना कोई आधुनिक फार्मूले का शैम्पू। बाल टूटने पर बालों को साबुन से न धोकर रीठे से धोना चाहिए। बाल टूटते हैं तो हर चौथे रोज सिर धोइए, रीठे से क्या करना चाहिए, हर चौथे दिन आप बाल धोइए, इससे आपके बाल टूटने कम हो जाएंगे। रीठे के शैम्पू की विधि, हम कैसे रीठे की शैम्पू बनाएंगे इसकी विधि हम आपको बता रहे हैं। रात में रीठे के छिलके के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिंगो दें, अनुपात 1 हिस्सा रीठा का छिलका 40 हिस्सा पानी, मतलब 40 भाग अगर पानी हो तो 1 भाग रीठा हो। सुबह उस पानी को मसल कर अथवा उबाल कर उससे सिर धोने से बाल लंबे और घने होते हैं मेरे दोस्तों। इसके लिए बालों को पहले थोड़ा गुनगुना पानी डालकर धोइए, उसके बाद रीठे के पानी से घोल की आधी मात्रा सिर पर डालकर बालों को 5-10 मिनट तक मलिए। अब इसे धो डालिए, फिर आधा बचा हुआ शैम्पू पहले की तरह डालकर मलिए, अच्छी तरह मलने के बाद धो डालिए, इससे आपके बाल निखर जाएंगे मेरे दोस्तों और बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।